वेलकम टू माय चैनल मनशाज रेसिपी। आज हम बनाएंगे कोल्सला। इसे कैबेज सलाद, क्रीम सलाद या फिर आप वेज सलाद भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी साइड डिश है जो खाने का मज़ा डबल कर देती है। इसके लिए हमें चाहिए एक कप बारीक लंबाई में कटी हुई बंद गोभी, आधा कप लाल बंद गोभी, इसे भी हम बारीक लंबाई में काट लेंगे, वन फोर्थ लाल शिमला मिर्च लंबाई में काटे, आधी मध्यम आकार की हरी शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई, वन फोर्थ लंबाई में कटी पीली शिमला मिर्च, वन फोर कप गाजर बारीक और लंबाई में कटा हुआ, एक बड़ा प्याज पतला और लंबाई में कटा हुआ। चलिए अब हम सलाद की ड्रेसिंग बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे 3/4 कप गाढ़ा दही या मलाई दही, 2 टेबलस्पून मेयो, 1 टेबलस्पून चीज़ स्प्रेड, 1 टेबलस्पून क्रीम, आधा नींबू का जूस डालें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 2 टीस्पून शुगर, 1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया, 1/4 सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। सारी सब्जियों को हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। कैबेज में हाई फाइबर, विटामिन के और विटामिन सी होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम ड्रेसिंग डालेंगे। अच्छे से मिक्स करें ताकि सारी वेजीज अच्छे से ड्रेसिंग में कोट हो जाए। जनरली कोलेस्ट्रॉल को खाने के 24 घंटे पहले बनाया जाता है, मगर आप चाहे तो तुरंत भी खा सकते हैं। लीजिए, तैयार है आपका क्रीमी टेस्टी कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसके आगे भी आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।